ये हमारे थकान तनावपूर्ण और ये हमारा सफर खत्म यहाँ तक, आधा सफर खत्म है, अभी हमारा पूरा सफर होना बाकी है। ये हमारे साइकिलें हमने लगा दी हैं साइड जी। यहाँ मैं शायद ये दूसरी या तीसरी बार होगा जो मैं आया हूँ। बहुत ही अच्छा वातावरण रहता है यहाँ का, और पीछे उधर वहाँ पे कुंडे जैसे भी बने हैं, वो तो खैर आजकल बंद है कोरोना की वजह से। और यहाँ पे आप लोगों का यहाँ से मंदिर जाके मेन तो ये जो फेमस है हनुमान जी के मंदिर के लिए, और पीछे फिर बहुत अच्छे अच्छे छोटे छोटे मंदिर भी बने हुए हैं, तो आप आके देखिए। आप लोगों से विनती है कि हमारे उत्तराखंड आइए, उत्तराखंड में रामनगर छोई में ये जगह है, और मीन्स अच्छी जगह है। यहाँ पे बिल्कुल मन को सुकून शांति और खुला वातावरण है, प्योर है सब चीज। जय श्री राम। यहाँ पर 2011 में 17 नवंबर को नींव रखी गई थी, 2016 में मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा हुई, और यहाँ पर हनुमान जी की पहले छोटी सी मूर्ति थी। आचार्य जी को सपने में बोला गया कि यहाँ पर एक भव्य मंदिर बनाया जाए, और क्या कहते हैं, यहाँ पर हनुमान जी का बहुत बड़ा मंदिर होना चाहिए। उसके बाद आचार्य जी ने जिन लोगों की ज़मीन वगैरह थी उन लोगों से बात करी, यहीं से हैं, यहीं से दो चार पांच लोग हैं जिनकी ज़मीन है, उन्होंने ज़मीन दी मतलब हनुमान जी के लिए यहाँ पर। और धीरे धीरे उन्होंने ट्रस्ट बनाया आपस में, ट्रस्ट बनाया तो धीरे धीरे मतलब ट्रस्ट बढ़ते गया, मंदिर का निर्माण चालू होते रहा। कम से कम अभी 1800 के आसपास यहाँ पर ट्रस्टीजन है, श्री हनुमान धाम सेवा ट्रस्ट के नाम से है। और यहाँ पर हनुमान जी का बहुत ही भव्य मंदिर है, हनुमान जी के 9 स्वरूप 12 निलाय हैं यहाँ पर, और माता जी का मंदिर है, गणेश जी हैं, राम जी हैं, सारे मंदिर हैं, शिवालय है, सारे मंदिर हैं यहाँ पर। मतलब बहुत सारे भक्त लोग आते हैं यहाँ पर, दर्शन करते हैं, मन्नतें पूरी होती हैं। आज तक जो भी भक्तजन आते हैं उनकी मन्नतें पूरी हो चुकी हैं यहाँ पर। यह यहाँ पर मन्नत की डोरियाँ भी बनती हैं, जिनको मन्नत मांगनी हो डोरिया बांध सकता है, अर्जी लगा सकता है, हनुमान जी के यहाँ अर्जी भी लगा सकते हैं। और यहाँ पर नए साल पे बहुत काफ़ी भीड़ रहती है, नए साल पे 45,000 के आसपास भीड़ रहती है। और क्या कहते हैं, हनुमान जी के जन्म महोत्सव में भी भीड़ रहती है, मतलब जो भी बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं यहाँ पर भीड़ रहती है बहुत। मतलब देखने को बहुत ही सुंदर मतलब नज़ारा है यहाँ पर। आने वाले समय में विकलांग हॉस्पिटल बनने जा रहा है यहाँ पर, और सीता रसोई, मतलब ये है कि जैसे दिल्ली में क्या कहते हैं वो कुछ मंदिर है उसका नाम यार अक्षरधाम है, वैसे ही बनने जा रहा है यहाँ पर भी। मतलब बहुत भव्य मतलब नया होगा जो भी होगा यहाँ पर बहुत। जय श्री राम। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. वो हसीना वो नीलम परी कर गई कैसी जादूगरी, दीदी ना को सजी मिली है दिल में। ये हमें, ये हमारे सीनियर है, और यार नंगी पर नंगा बना दोस्तों, शाम के 7 बज गए हैं और अभी हम जिस जगह पे मौजूद हैं, बहुत खूबसूरत सी लोकेशन है, भाकड़ा कहते हैं इसको। ये सिर्फ बारिश के टाइम पे आता है, ठीक है, ये जो जगह है ये बारिश के टाइम पे बड़ा भयंकर आता है,
पहले जो था गाड़ियाँ, जब ये पुल नहीं बना था तो गाड़ियाँ सीधे इसके ऊपर से जाती थी, लेकिन अभी कुछ साल हो गए हैं ये पुल बने हुए तो इसमें काफ़ी लोगों को सहूलियत हो जाती थी। बरसात के टाइम पे बंद हो जाता था। अभी हमारे दो मेंबर तो आगे चले गए हैं और हम लोग यहाँ पे रुके हैं, ये एक तो घर भी पहुँच गया है। तो गाइस आज हमने बहुत कुछ सफ़र करा है, थकान भी बहुत हुई है, मज़ा भी बहुत आया है। बीच में भुट्टे खाने के लिए भी रुके थे हम लोग और देवेंद्र ने आइसक्रीम भी खाई। अभी इनको पेट में ज़रा थोड़ी गड़बड़ जैसी लग रही है तो अभी हम यहाँ पे रुके हैं। यहाँ से बस 5-10 मिनट यहाँ पे थोड़ा रुकते हैं और उसके बाद फिर हम यहाँ से जाएंगे आगे को। यहाँ से 15 किलोमीटर हल्द्वानी है वैसे, और हल्द्वानी से करीब 4 किलोमीटर दूर मेरा घर है। मेन हल्द्वानी में देवेश जी का घर है, हमारे दूसरे उत्तराखंड ट्रैकर्स। और तुम्हारा कहाँ है? सौरभ का घर जो है ऊंचा पुल में है। बस अब वीडियो को थोड़ा सा एंडिंग की ओर ले जाते हैं, एक दो शॉर्ट्स और हो जाएंगे इसके बाद। मुझे लगता नहीं है इसके बाद ऐसा कुछ है क्योंकि सब लोग अपने घर को जाने लग गए हैं और कुछ नया होता है तो बताते हैं आपको।